अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी बाबा आ रहे, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है वीकेंड सैटरडे एंड आज हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे, कोई 7:30 बजे, और फिर मैं और फैजान उठे तो हिजाब भी उठ गई। फिर हमने कहा चलो आज फैजान का ऑफ है तो कहीं निकलते हैं, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा किधर जाए, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं क्यामा ब्लो होल। बहुत ही प्यारी जगह है, वहाँ पे बीच है और वो इतना ज़बरदस्त वहाँ पे सीन है कि पानी जब आके पत्थरों से टकराता है तो वो एक बड़ा सा एक ब्लो होल सा बना हुआ है, वहाँ से एक बड़ा सा शावर सा निकलता है और बहुत अच्छा लगता है। वो मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगी, आगे आगे देखते जाएं। और यहाँ का रास्ता भी बहुत ही प्यारा है, बहुत जी 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 ना नहीं आ रही है। तो यहाँ का रास्ता भी बहुत ही प्यारा है और इतनी प्यारी सीनरीज हैं रास्ते में, बहुत सारे अल्लाह के प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाती रहूँगी साथ साथ, और जहाँ हम रुक सकें वहाँ पे हम ज़रूर रुकेंगे। कुछ लुकआउट्स हैं और क्या कहते हैं, बाकी आपको वहाँ से मैं पूरा सीन दिखाऊंगी। तो चले चलते हैं। यहाँ पे एक लुकआउट आया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है, देखते हैं कैसा है लुकआउट। So beautiful. And now we have reached Kiama. यार समर स्टार्ट हो गई है लेकिन इतनी ठंडी हवा है।
अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं और मुझे लेना है फ्रिज सोवेनियर, फ्रिज मैग्नेट। यहाँ पे पास ही क्यामा की एक काफ़ी बड़ी सी मार्केट है, तो वहाँ पे सोवेनियर्स की काफ़ी शॉप है। ये यहाँ पे एक मुझे टेंपल नज़र आया था, तो लेकिन आई थिंक ये बंद था अभी। यहाँ क्यामा की मार्केट में होम डेकोर की बहुत बहुत प्यारी चीज़ें थी और प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। ये देखें आप, बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। यहाँ से मुझे क्यामा का सुवेनियर मिल गया था और अब हम अपनी नेक्स्ट स्टॉप की तरफ चलते हैं। क्यामा ब्लू होल से सिर्फ ओनली 10 मिनट्स की ड्राइव है, क्यामा लिटिल ब्लू होल। तो हमने कहा ये भी चेक करते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं और बहुत अच्छी जगह लग रही है। ये यहाँ पे छोटा सा ब्लो होल है, लेकिन आज पानी का प्रेशर काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। Now we are heading towards our next stop, which is Kilali State Park. इसके बोर्ड्स काफ़ी लगे हुए थे तो हमने कहा चेक करते हैं। ये है पार्क, बहुत ही प्यारा पार्क है और ज़्यादा रश भी नहीं है, एक दो फैमिलीज आई हुई हैं। ये सामने बीच व्यू है, बारबेक्यू के लिए बहुत ही प्यारी जगह है। रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हमने रास्ते में एक टेंपल देखा था, तो हमने कहा वापसी पे अगर ये ओपन हुआ तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो अंदर चेक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली टेंपल क्लोज्ड है यार। चलो बाहर से ही मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। ये सामने एक बाबा सा नजर आ रहा था। अब हमें बहुत भूख लग गई है और वापसी की तरफ निकल चुके हैं, तो हमने डिसाइड किया आज ये नई चिकन ट्राई करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।